हेलो एंड वेलकम बैक टू आई एजुकेशन आज हम बात करेंगे आइल्स के राइटिंग मॉड्यूल की राइटिंग मॉड्यूल इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द टफेस्ट मॉड्यूल्स एकर द आइल्स मॉड्यूल्स बट इसका कारण सिर्फ इतना है कि स्टूडेंट्स डर जाते हैं राइटिंग का नाम सुनकर राइटिंग एक्चुअली सब्जेक्टिव इवेलुएशन इन्वॉल्व करता है सब्जेक्टिव इवेलुएशन का मतलब है कि आपकी कोर राइटिंग स्किल्स कोर इंग्लिश स्किल्स आर एट डिस्प्ले एंड दैट्स वाई none of the आंसर्स आर predictable एंड none of the आंसर्स आर absolutely राइट right और absolutely wrong बट आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है उसका कारण है कि अगर हम किसी भी एग्ज़ाम के मॉड्यूल को या फिर किसी भी एग्ज़ाम के फॉर्मेट को ध्यान से पढ़ते हैं समझने की कोशिश करते हैं तो हमें उसकी एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है और उस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर हम आगे चलकर अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको वही अंडरस्टैंडिंग दूंगी ये बताऊंगी कि आखिर राइटिंग मॉड्यूल में स्टूडेंट्स से एक्सपेक्ट क्या किया जाता है और उन एक्सपेक्टेशंस पर वो कैसे खरे उतर सकते हैं सो विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन सबसे पहले तो बात करते हैं राइटिंग मॉड्यूल के फॉर्मेट की आपको पता होना चाहिए कि राइटिंग मॉड्यूल में आपके पास कितने क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास कितना टाइम है और कितने वर्ड्स आपसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि आप उस टाइम पीरियड में लिखेंगे सो लेट्स बिगिन सबसे पहले तो राइटिंग मॉड्यूल में आपको दो टास्क दिए जाएंगे राइटिंग टास्क वन एंड राइटिंग टास्क टू ये दोनों ही टास्क राइटिंग टास्क है मतलब कि दोनों का आंसर आपको अपने वर्ड्स में एक ऐसे फॉर्मेट या पैराग्राफ फॉर्मेट में देना है याद कीजिए जैसे रीडिंग में आपको पैराग्राफ्स रीडिंग के लिए मिलते थे राइटिंग में आपको उसी तरीके से एक टॉपिक मिलेगा उस टॉपिक के ऊपर आपने एलैबोरेट करना है और अपने राइटिंग स्किल्स को डिस्प्ले करना है या फिर डिमॉन्स्ट्रेट करना है तो ये जो दो राइटिंग टास्क होते हैं they are called as writing task 1 writing task 2 writing task 1 academic or general dono ke liye different hota hai academic mein aapko diye jate hain bar graphs pictographs line graphs या फिर कोई भी ऐसा picture दे दिया जाता है जिसको explain करके आपको अपना answer देना है वहीं पर जो general test होता है वहाँ पर writing task वन एक letter होता है वो फॉर्मल हो सकता है सेमी फॉर्मल हो सकता है इनफॉर्मल हो सकता है दैट इंटायरली डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनर वॉट ही चूजेज टू गिव टू द स्टूडेंट्स ऑन अ पर्टिकुलर टेस्ट उसके बाद जो राइटिंग टास्क टू होता है वो अकेडमिक और जनरल दोनों के लिए ही एक होता है मतलब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता राइटिंग टास्क टू इज़ योर एस ए यू यूजली गेट अ डिसकर्सिव एस ए अब ये डिस्कर्सिव ऐसे क्या होता है राइटिंग टास्क वन में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे मूविंग फर्दर आपको दोनों टास्क को कम्प्लीट करने के लिए अ टोटल ऑफ सिक्सटीन मिनट्स मिलते हैं मतलब कि एक घंटे में एक्सपेक्ट किया जाता है स्टूडेंट से कि वो राइटिंग टास्क वन और राइटिंग टास्क टू को कम्प्लीट करेगा यूजली स्टूडेंट्स राइटिंग टास्क वन को कम्प्लीट कर लेते हैं अराउंड इन ट्वेंटी मिनट्स वहीं पर राइटिंग टास्क टू के लिए यू कैन टेक एट लीस्ट फोर्टी मिनट्स टू कम्प्लीट इट अब फोर्टी मिनट्स एंड ट्वेंटी मिनट्स इज़ द मैक्सिमम टाइम दैट यू कैन टेक आप इससे कम टाइम भी ले सकते हैं दैट इज़ एंटायरली डिपेंडेंट अपॉन योर प्रोवेस ऑफ राइटिंग कि आप कितना क्विकली कुछ आंसर सोच कर किसी आंसर को एनालाइज करके लिख सकते हैं याद रखिए कि ये लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में ही आपने अपना एग्ज़ाम पूरा करना है दैट मीन्स जब आप अपने राइटिंग मॉड्यूल की प्रैक्टिस करेंगे घर पे बैठ के तो आपको टाइम का भी ध्यान रखना है अब बात करते हैं वर्ड्स की तो सिक्सटी मिनट्स में इट इज़ यूजली एक्सपेक्टेड कि स्टूडेंट्स अराउंड फोर हंड्रेड टू सिक्स हंड्रेड वर्ड्स टोटल लिखेंगे अब इनको डिवाइड कर लेते हैं राइटिंग टास्क वन में आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप 150 वर्ड्स में आंसर देंगे वहीं पर राइटिंग टास्क टू में आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अराउंड 250 वर्ड्स में आंसर देंगे अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है अगर आपने स्टिप्युलेटेड अमाउंट ऑफ वर्ड्स मतलब राइटिंग टास्क वन के लिए 150, राइटिंग टास्क टू के लिए 250. अगर इनसे कम वर्ड्स में अपना आंसर दिया देर इज़ अ पॉसिबिलिटी अ हाई पॉसिबिलिटी कि आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे या फिर आपको कम मार्क्स दिए जाएंगे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मिनिमम आंसर जो आप दे रहे हैं उसमें मिनिमम वर्ड्स 150 एंड 250 ही होने चाहिए यू कैन ऑलवेज़ इंक्रीज़ दीज वर्ड्स आप 150 को 200 कर सकते हैं टू फिफ्टी को कई स्टूडेंट्स थ्री फिफ्टी भी कर लेते हैं लेकिन इट इज़ यूजुअली एडवाइजेबल कि आप वन फिफ्टी या टू हंड्रेड वर्ड्स एंड टू फिफ्टी या थ्री हंड्रेड वर्ड्स में आंसर को कंप्लीट कर लें उसका कारण है कि ज़्यादा वर्ड्स लिखने के लिए आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे दूसरी बात यह है कि आपके पास प्रॉपर टाइम होना चाहिए अपने आंसर्स को रिवाइज करने का एडिट करने का री re रीड करने का या उनको चेंज करने का तो अगर आप वैसा करना चाहते हैं तो इट इज़ हाईली एडवाइजेबल दैट यू स्टिक टू द वर्ड लिमिट एंड यू यूज़ योर टाइम वेरी जुडिशियसली अक्रॉस दीज टू टास्क ये तो बात हो गई फॉर्मेट की कि कितने क्वेश्चंस होते हैं कितना टाइम मिलता है और कितने वर्ड्स आपको लिखने हैं एग्ज़ाम में अब बात करते हैं कि राइटिंग टास्क वन आखिर होता क्या है सो फ्रेंड्स दिस इज़ योर राइटिंग टास्क वन इन अकेडमिक आइल्स एग्जाम आपको कोई भी विजुअल रिप्रेजेंटेशन दी जा सकती है किसी भी डेटा की उस विजुअल रिप्रेजेंटेशन को आपने फिगर आउट करना है फिगर आउट करके उसको एक्सप्लेन करना है अपने वर्ड्स में अपने क्यूज़ को फॉलो करना है और फिर अपने आंसर को लिखना है यहाँ पर आपको एक बहुत ही छोटी सी चीज़ याद रखनी है जो भी आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी उस विजुअल रिप्रेजेंटेशन को किन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके अनफोल्ड करना है एक्सप्लेन करना है वो ऑलरेडी आपके लिए मेंशन होगा दैट मींस कि राइटिंग टास्क वन मोर और लेस प्रिडिक्टेबल आंसर्स इन्वॉल्व करता है वो प्रिडिक्टेबिलिटी हम जज करते हैं कि आपको कितनी इन्फॉर्मेशन दी गई है आपके क्वेश्चन में सो so रिमेंबर कि आपके क्वेश्चन में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसको आप अप्रोप्रिएटली ऑप्टिमम वे में यूज़ करते हैं तो सबसे पहले तो मोस्ट कॉमन विजुअल रिप्रेजेंटेशन एक रिपोर्ट हो सकती है दिस रिपोर्ट कैन बी अ वेदर रिपोर्ट दिस रिपोर्ट कैन बी अ रिपोर्ट ऑन द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ अ कंट्री और अ कॉलेज दिस रिपोर्ट कैन बी बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रेजुएटिंग इन अ ईयर द नंबर ऑफ टॉपिक रिपोर्ट में रिलेट टू आर एंडलेस सो रिपोर्ट इज वेरी इजी टू सॉल्व ये कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं आपको बताऊंगी अगली वीडियो में उसके बाद बहुत ही कॉमन विजुअल रिप्रेजेंटेशन है टेबल पाई चार्ट बार ग्राफ्स लाइन ग्राफ्स एंड डायग्राम्स अब ये डायग्राम किसी बिल्डिंग की बेसमेंट का भी हो सकता है या फिर ये डायग्राम किसी इलेक्ट्रॉनिक uh, सर्किट का भी हो सकता है दोनों ही केसेस में आपको इनफ इंफॉर्मेशन एंड क्यूज़ प्रोवाइड किए जाएंगे क्वेश्चन में ही उस क्वेश्चन को फॉलो करके ही आपने अपने सारे आंसर्स को लिखना है रिमेंबर यहाँ पे राइटिंग टास्क वन प्रडिक्टेबल आंसर्स इन्वॉल्व करता है और वो प्रडिक्टेबिलिटी हम जज करते हैं अपने क्वेश्चन से यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ स्टार्स बनाए हैं बिकॉज आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर दीज थिंग्स बिफोर यू बिगिन अटेम्प्टिंग और प्रैक्टिसिंग योर राइटिंग टास्क वन फॉर अकेडमिक आइल्स सबसे पहले तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको अपने विजुअल रिप्रेजेंटेशन में मिल रही है उस पूरी इंफॉर्मेशन में जो सबसे रेलिवेंट पॉइंट्स हैं सबसे रेलिवेंट पॉइंट्स जो एक्चुअली में पूरी uh, जो पिक्चर आपको दी गई है उसमें से जो सबसे रेलिवेंट या ज़रूरी चीज़ें हैं वो वाले पॉइंट्स के ऊपर आपने अपने पैराग्राफ को लिखना शुरू करना है रिमेंबर यहाँ पे आपके पास 150 वर्ड्स होते हैं उन 150 वर्ड्स को आपने बहुत जुडिशियसली यूज़ करना है दैट मीन्स यू हैव टू पिक द मोस्ट रेलिवेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द विजुअल रिप्रेजेंटेशन एंड देन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स उसके बाद जो टोन है आपकी वो न्यूट्रल होनी चाहिए न्यूट्रल का मतलब है वो ना तो इनफॉर्मल होनी चाहिए ना ही ज़्यादा फॉर्मल होनी चाहिए फॉर्मल टोन वो होती है जो आप यूजली अपने बॉस को अपने कॉलीग को या अपने टीचर्स या प्रोफेसर्स को ई लिखते वक्त या उनसे बात करते वक्त यूज़ करते हैं वो होती है फॉर्मल टोन इनफॉर्मल टोन जो हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ यूज़ करते हैं इन दोनों के ही बीच में होती है न्यूट्रल टोन न्यूट्रल टोन हम तब यूज़ करते हैं जब हम एक इनविजिबल ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं इस न्यूट्रल टोन को कैसे हम यूज़ करते हैं और कौन से वर्ड्स हैं जो न्यूट्रल टोन को यूज़ करने में हमारी हेल्प करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी अगली वीडियो में उसके बाद आपने ध्यान रखना है कि ये पूरा टास्क करने के लिए आपके पास सिर्फ ट्वेंटी मिनट्स होंगे दैट मीन्स आपको ट्वेंटी मिनट्स में पूरे बारग्राफ को या फिर अपने विजुअल रिप्रेजेंटेशन को या डायग्राम को समझना भी है फिगर आउट भी करना है उन्हीं ट्वेंटी मिनट्स में आपने अपना आंसर भी बिल्ड करना है उन्हीं ट्वेंटी मिनट्स में उसको लिखना भी है उसके बाद एडिट भी करना है रिवाइज भी करना है एन एक फ़ाइनल कॉपी ऑफ आंसर बनानी है सो so, इन 20 मिनट्स को जुडिशियसली यूज़ करना समझदारी से यूज़ करना बहुत ज़रूरी है उसके बाद मैंने जैसा आपको बताया कि आपको 150 वर्ड्स में अपने आंसर्स लिखने हैं मेक श्योर कि आप इससे कम वर्ड्स में अपना आंसर नहीं लिख रहे हैं यू कैन ऑलवेज़ इंक्रीज़ दीज वर्ड्स अप टू टू और टू बट रिमेंबर आप जितना ज़्यादा लंबा आंसर लिखेंगे उतना ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूम होगा उतना ही ज़्यादा आपको रिवाइज और एडिट भी करना पड़ेगा उसके बाद एक चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि राइटिंग टास्क में हम न्यूट्रल टोन को यूज़ कर रहे हैं और जो हमारा आंसरिंग फॉर्मेट है वो पैराग्राफ फॉर्म में है इसका मतलब हम बुलेट पॉइंट्स या वन टू थ्री फोर करके अपने आंसर्स नहीं लिख सकते आपको एक रनिंग सेंटेंस में कंप्लीट सेंटेंस में अलग अलग छोटे छोटे पैराग्राफ्स बना के अपने आंसर्स को लिखना है इसी से आपके राइटिंग स्किल्स सही तरीके से डिमॉन्स्ट्रेट होंगे ये तो था राइटिंग टास्क वन फॉर अकेडमिक आइल्स राइटिंग टास्क वन फॉर जनरल आइल्स इज डिफरेंट यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जाता है कि स्टूडेंट 150 फिफ्टी वर्ड्स में एक लेटर राइटिंग करेगा वो लेटर राइटिंग अलग अलग तरीके की हो सकती है अगेन यहाँ पे आपने याद रखना है कि राइटिंग टास्क वन के आंसर्स प्रडिक्टेबल होते हैं प्रिडिक्टेबल का मतलब है कि जो भी आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है लिखने के लिए आंसर में वो आपको ऑलरेडी कहीं ना कहीं क्वेश्चन में ही प्रोवाइड कर दिया जाता है नाउ यू इट इज़ अपॉन यू टू यूज़ दैट इन्फॉर्मेशन फॉर योर एडवांटेज उस एडवांटेज को आप कैसे यूज़ करते हैं उसी के ऊपर आपको मार्क्स मिलते हैं जिसको हम टास्क अचीवमेंट भी कहते हैं तो लेटर राइटिंग में हो सकता है आपको एक फॉर्मल लेटर मिले फॉर्मल लेटर हो सकता है वो जो आप गवर्नमेंट ऑफिसर को लिखते हैं या फिर अपने प्रिंसिपल को लिखते हैं या टीचर को लिखते हैं या फिर अपने बॉस को लिखते हैं या एच मैनेजर को लिखते हैं दी ऑप्शंस आर एंडलेस फॉर्मल लेटर में सबसे ज़रूरी चीज़ जिसका आपने ध्यान रखना है वो है टोन आपकी टोन फॉर्मल होनी चाहिए उसके बाद सेमी फॉर्मल लेटर्स होते हैं जो आप किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी या प्रिंसिपल को नहीं लिख रहे लेकिन फिर भी एक ऐसे इंसान को लिख रहे हैं जो आपका इक्वेंटेंस है इक्वेंटेंस का मतलब है जिसको आप अच्छे से जानते नहीं हैं जिसके साथ आपका एक फैमिली रिलेशन नहीं है कोई भी ऐसा इंसान जिसको आप लेटर लिख रहे हैं वो सेमी फॉर्मल में काउंट होगा अगेन यहाँ पर आपने टोन का ध्यान रखना है यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी टोन ना तो फॉर्मल है ना ही इनफॉर्मल है एंड पर्सनल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स वो हैं जो आप अपने फैमिली मेम्बर्स या नेबर्स या अपनी वाइफ या फिर अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं सो दीज आर द थ्री लेटर्स विच यू मे बी एक्सपेक्टेड टू राइट एज पार्ट ऑफ योर राइटिंग टास्क वन जनरल यहाँ पर अगेन आई हैव सम स्टार्स फॉर यू लेट्स अनफोल्ड दम वन बाई वन सबसे पहले तो टाइम का आपने ध्यान रखना है लेटर राइटिंग अगेन राइटिंग टास्क वन है तो आपको ट्वेंटी मिनट्स ही मिलेंगे ट्वेंटी मिनट्स के अंदर अंदर आपने अपने लेटर के क्वेश्चन uh, को समझना है फिगर आउट करना है कि आप अपने लेटर में क्या क्या मेंशन करेंगे वो पूरा स्ट्रक्चर बनाना है लेटर uh, का उसके बाद आपने अपने लेटर को रिवाइज़ भी करना है एडिट भी करना है एडिशंस एंड सब्सट्रैक्शन भी करनी है सो यू हैव ट्वेंटी मिनट्स टू डू दिस जो टोन होगी आपके लेटर की वो आपके क्वेश्चन में ही मैंशनड होगी आपका अगर क्वेश्चन फॉर्मल लेटर इन्वॉल्व करता है तो आपकी टोन फॉम फॉर्मल होगी उसी तरह अगर सेमी फॉर्मल है तो सेमी फॉर्मल टोन होगी और अगर पर्सनल लेटर है तो इनफॉर्मल टोन होगी अगेन दिस इज़ मैंशनड इन योर क्वेश्चन सो मेक श्योर कि आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं वर्ड्स आपको वन फिफ्टी वर्ड्स लिखने हैं विद इन ट्वेंटी मिनट्स ये ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम नहीं हो सकते अगेन अगर आप ज़्यादा वर्ड्स में लिख रहे हैं तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा सो बी विजिलेंट ऑफ दैट नाउ इज यूजिंग रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दिस इज़ द सेम पॉइंट दैट आई मैंशन इन अकेडमिक आइड्स राइटिंग टास्क वन ऑल्सो यहाँ पर आपको मार्क्स मिलेंगे टास्क अचीवमेंट के टास्क अचीवमेंट का मतलब है कि जो सबसे ज़रूरी चीज़ है मेंशन करने वाली वही आप मेंशन कर रहे हैं अपने पैराग्राफ में उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को मेंशन करना है जो आपको टास्क दिया गया है उसको आपने अचीव करना है उसको अचीव करने के लिए यू हैव टू यूज़ द इंफॉर्मेशन दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रेलिवेंट ये तो बात हो गई राइटिंग टास्क वन की अब राइटिंग टास्क टू की बात करते हैं राइटिंग टास्क टू इज़ सेम फॉर अकेडमिक आइल्ट एंड जनरल आइल्ट यहाँ पर यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट अ शॉर्ट एसे ऑन द टॉपिक दैट हेज़ बीन गिवन टू यू नाउ यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा है आपके लिए डिस्कर्सिव ऐसे डिस्कर्सिव ऐसे का मतलब होता है कि कोई ऐसा ऐसे जो टॉपिक को डिसकस करता है टॉपिक के uh, सारे व्यू पॉइंट्स को सारे आस्पेक्ट्स को डिस्कस करता है उन पर एलुसिडेट करता है और उसके बाद फाइनली कंक्लूजन देता है इसको हम कहते हैं डिस्कर्सिव ऐसे डिस्कर्सिव ऐसे को कई बार रोजेरियन ऐसे भी कहते हैं बट रोजेरियन ऐसे हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ आइल्टस क्योंकि उसको लिखने का तरीका बिल्कुल अलग होता है यहाँ पर हम डिस्कर्सिव ऐसे लिखते हैं तो अगेन यहाँ पर आपको टू फिफ्टी टू थ्री फिफ्टी वर्ड्स के बीच में अपना आंसर देना है रिमेंबर मोर वर्ड्स मोर टाइम सो यू हैव टू बी केयरफुल एंड विजिलेंट कि आप कितने वर्ड्स लिख रहे हैं आपको अराउंड फोर्टी मिनट्स मिलते हैं अपने पूरे ऐसे को कम्प्लीट करने के लिए उन फोर्टी मिनट्स में आपने अपने एस के टॉपिक को भी फिगर आउट करना है उसमें दी हुई इन्फॉर्मेशन को आप कैसे यूज़ करेंगे वो भी पता करना है उसके बाद ये भी सोचना है कि आप कौन कौन से पॉइंट्स अपने एस में लिखेंगे तो इन फोर्टी मिनट्स को आपने बहुत जुडिशियसली यूज़ करना है उसके बाद जो आपके एस की टोन होती है अगेन वो न्यूट्रल टू इनफॉर्मल के बीच में होती है न्यूट्रल टू इनफॉर्मल के बीच का मतलब है कि वो ना ही तो पूरी तरह से न्यूट्रल है और ना ही पूरी तरह से इनफॉर्मल है वो पूरी तरह से न्यूट्रल इसलिए नहीं है क्योंकि अक्सर एसेज में आपसे पूछा जाता है कि गिव योर ओपिनियन और गिव सल्यूशन ऑन योर एंड टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऑल एल्यूसिडेट अपॉन एडवांटेजेज एंड डिसजेज तो जहाँ पर आपसे आपका ओपिनियन पूछा जा रहा है वहाँ पर आप न्यूट्रल टोन नहीं रख सकते यहाँ पर न्यूट्रल टोन का मतलब है कि आप ज़्यादा इनफॉर्मल मत होइए अपने आंसर में और बिल्कुल भी इनफॉर्मल नहीं होना है लेकिन बिल्कुल भी न्यूट्रल भी नहीं रहना है बिकॉज़ वी हैव टू आंसर वॉट हैज़ बीन आस्क्ड ऑफ अस इन द क्वेश्चन सो दिस इज़ राइटिंग टास्क टू एंड यू हैव टू राइट अ डिस इन एट इसके बाद बात करते हैं एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ की कि वैदर यू शुड गो अहेड विद पेपर आयल्स और कंप्यूटर आयल्स एंड वॉट इज़ बेटर इन केस ऑफ द रटिंग मॉड्यूल तो देखिए दोनों में जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल ही सेम रहेगा दैट इज़ पेपर आयल्स में भी और कंप्यूटर आयल्स में कोई डिफरेंस नहीं होगा सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है कि पेपर आइल्स में आपको पेंसिल और इरेजर मिलते हैं अपने आंसर को लिखने के लिए और कंप्यूटर आइल्स में आप टाइप करते हैं कंप्यूटर आइल्स को देने का एक छोटा सा फ़ायदा है एडवांटेज है कि आपको बारी बारी अपने वर्ड्स को काउंट नहीं करना पड़ता तो जो भी दो मिनट तीन मिनट आप अपने वर्ड्स को काउंट करने में वेस्ट करते थे वो आपको कंप्यूटर आइट्स में नहीं करना पड़ेगा स्क्रीन पर मान लीजिए आप यहाँ पर अपना आंसर लिख रहे हैं तो स्क्रीन के ही नीचे एक छोटे से बॉक्स में आपको आपका वर्ड काउंट डिस्प्ले किया जाता है तो वहाँ पर आपका टाइम सेव हो जाता है तो बात करते हैं टाइम की तो अगेन दोनों ही केसेस में टाइम इज़ सेम चाहे आप पेपर बेस्ड आइल्स दें या कंप्यूटर बेस्ड आइल्स दें राइटिंग मॉड्यूल के केस में आपको दोनों ही टास्क को कंप्लीट करने के लिए 60 मिनट्स मिलेंगे उन 60 मिनट्स को आप कैसे डिवाइड करते हैं बिटवीन राइटिंग टास्क वन एंड राइटिंग टास्क टू वो बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है यूजुअली स्टूडेंट्स 20 मिनट्स एंड 40 मिनट्स में डिवाइड कर लेते हैं बट अगेन दिस इज़ अ वेरी इंडिविजुअलिस्टिक चॉइस एंड दैट इज़ अपॉन यू कि आप क्या यूज़ करते हैं उसके बाद ईस की बात करते हैं तो पेपर बेस्ड आइल्ट में यूजुअली बच्चों को थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि एक तो वो पेंसिल और इरेजर से अपना आंसर लिख रहे हैं तो हो सकता है उन्हें बार बार इरेज करना पड़े दैट इज़ ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग उसकी वजह से जो आपका पेपर है उसके फटने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं उसके बाद आपको थोड़ा सा रिविज़न करने में भी प्रॉब्लम होती है वेन इट कम्स टू पेपर बेस्ड आइल्स क्योंकि कम्पेयर टू कम्प्यूटर बेस्ड आइल्स आप बैक स्पेज दबा के अपने आंसर्स को अंडू नहीं कर सकते सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पेपर बेस्ड आइल्स ईज़ जहाँ पर बात आती है कम्प्यूटर बेस्ड आइल्स राइटिंग मॉड्यूल की तो द ईज ऑब्वियसली इज़ अ लिटल मोर इन दिस केस क्योंकि आप बैक स्पेज दबाकर अपने आंसर्स को एडिट कर सकते हैं इवन कि आप इन बिटवीन अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को चेंज कर सकते हैं साथ ही आपको जो वर्ड काउंट है वो नीचे दिया जाएगा तो आपको बार बार अपने वर्ड्स को काउंट करने की ज़रूरत नहीं है सो ऑल दीज आर एडवांटेजेस ऑफ गिविंग द कंप्यूटर बेस्ड आइल्स बट एज आई सेड इन माई वीडियो ऑन वेदर टू गो अड विद कंप्यूटर बेस्ड ऑफ पेपर बेस्ड दैट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस आपके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आपके एरिया के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है सो विदीडियो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी की आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं सो टिलन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ट